हेलो गाइस, वेलकम टू जीडी क्रिएशन। आज मैं आपको बताऊंगा कि बैकग्राउंड इरेज किस तरीके से किया जाता है। तो सो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक पूरा देखना। सो सबसे पहले हम फोटोशॉप में जाते हैं। सो ये इमेज मैंने लेके रखा हूँ पहले से। सो आप देख सकते हो कि ये HD क्वालिटी इमेज है। तो आपको भी कोई बैकग्राउंड इरेज करना हो तो आप HD क्वालिटी इमेज लेना ज़रूर। सो ये मैंने ऑलरेडी करके रखा है बैकग्राउंड इरेज। देख सकते हो, और यह है बैकग्राउंड जहाँ से मैंने इमेज को प्रॉपरली क्रॉप करके निकाला हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले मैंने डेस्कटॉप पे इमेज लिया था, वो मैं लेने का ट्राई करता हूँ। नहीं जाने दो, तो मैं ये ऊपर की दो इमेज निकाल के डिलीट कर देता हूँ। इसे मैं इसी के ऊपर काम करता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्विक सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करना है। क्विक सिलेक्शन टूल जो मैजिक टूल जो रहता है उसके ऊपर रहता है गाइस। तो मैं अभी इस इमेज को पूरी तरीके से सिलेक्ट करूँगा। आपको ये करने के लिए ब्रश को छोटा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रश कभी कभार इमेज के जो जो स्पेस आपको सिलेक्ट करना है उसके बाहर भी जा सकता है। तो आपको ब्रश छोटा बड़ा कर करके उसे सिलेक्ट करना है प्रॉपर। सो ये सिलेक्ट तो हो गया अभी। सो मैं अभी इसे क्रॉप करूँगा कंट्रोल एक्स से और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूँगा। सो मैं ये यहाँ पर ले लेता हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हो अभी इमेज के कॉर्नर्स में देखिए गाइज कैसा ऊपर नीचे थोड़ा पिक्सिलेट हो गया है। सो मुझे ये नहीं चाहिए, इस तरीके से नहीं चाहिए। मुझे प्रॉपर वो स्मूथ चाहिए, थोड़ा लाइट ब्लर टाइप एंड स्मूथ चाहिए। तो मैं इसका एक डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ। पहले आपके लिए डुप्लीकेट है, आपको मैं इसका मतलब बाद में बताता हूँ। तो मैं अभी इसके हाथ के इधर थोड़ा सा बच गया, तो मैं रबर टूल से थोड़ा उसे निकाल देता हूँ। इरेजर टूल से मैंने वो रिमूव कर दिया। सो उसके बाद मैं ब्लर टूल सेलेक्ट करूँगा गाइस, और इसे साइड से कॉर्नर से हर एक जगह पे मुझे ब्लर करते जाना। पूरे इमेज को मैं कॉर्नर से ब्लर करूँगा गाइस। ये मेरा काम करने का तरीका है। मैं ऐसा मुझे कुछ आता है काम तो मैं इस तरीके से करता हूँ, क्योंकि वो फिर बाद में पिक्सेलेट नहीं दिखता। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी इसी तरीके से कीजिए। सो आप और इसका रिज़ल्ट क्या आएगा वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा कि मैंने ब्लर टूल सिलेक्ट करके किया और उसका रिज़ल्ट किस तरीके से आया। सो ये मुझे पूरे कॉर्नर्स को इसके पूरे ब्लर करना है। ब्लर मैं इसके लिए कर रहा हूँ कि ये स्मूथ दिखे, जो वो पिक्सेलेट ऊपर नीचे ऐसा कुछ जो दिख रहा था ऐसा कटा हुआ है नॉल, तो वो दिखेगा नहीं ब्लर करने के बाद। आप एक बार ट्राई कर लीजिए, कर लेना खुद, तो आपको पता चल जाएगा। सो ये अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया गाइस। तो आप देख सकते हो ये है हमारा बैकग्राउंड, ये है जो मैंने पहले आपको दिखाया था। आप इसके कॉर्नर्स देख सकते हो किस तरीके से दिख रहे हैं, और ये जो मैंने अभी किया है उसके कॉर्नर्स देखो, ब्लर में काफ़ी बेटर एंड क्लीन दिख रहा है गाइस। सो मैं अभी आपको एक बैकग्राउंड सेट करके दिखा देता हूँ इमेज के पीछे। सो मैं ऑरेंज कलर ले लेता हूँ और इसे फिल कर देता हूँ कंट्रोल बैकस्पेस से। एक न्यू लेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर थोड़ा हल्की सी शेड्स दे देता हूँ। ब्रश टूल सिलेक्ट कर लेना गाइस, शेड दे दिया हूँ मैंने।
उसके बाद एक और एक लेयर सिलेक्ट कर देता हूँ और इनके पीछे एक वाइट ग्लो दे देता हूँ, लाइक ऑरेंज का ही लाइट वर्जन मुझे अभी लेना है। फिर से ब्रश टूल सिलेक्ट कर लीजिए और एक क्लिक कर दीजिए उनके सर के पीछे, तो ऑटोमेटिकली सर्कल की तरह ग्लो आ जाएगा। तो एक और एक क्लिक कर देता हूँ थोड़ा लाइट लेके, यस ये बेटर है। सो गाइस आप देख सकते हो आपके सामने रिजल्ट है, मैंने आपको बोला था। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।